दक्षिण भारत का एक बड़ा इलाका आज सुबह ही से चक्रवाती तूफान मिचौंग की आहट में जी रहा है। आज सोमवार की दोपहर तक तमिलनाडु पुडुचेरी के इलाके इससे प्रभावित रहेंगे, जहां भारी बारिश और तूफान के आसार हैं। साथ ही ये चक्रवाती तूफान दक्षिणी आंध्र प्रदेश से भी टकराने वाला है। आज तमिलनाडु के उत्तर में मौजूद तटीय इलाकों पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में भारी बारिश के आसार हैं। साथ ही तेलंगाना और ओडिशा के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। तेलंगाना और ओडिशा में होने वाली बारिश तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की तुलना में थोड़ी कमजोर होगी। तमिलनाडु और पुडुचेरी के तिरुवल्लुर, चेन्नई, चेंगलपट्टू, कांचीपुरम, रानीपेटई, तिरुवनंतपुरम, विल्लुपुरम, कुडालोर, मयिलादुथुराई और सेलम जिलों में चेतावनी के साथ सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया गया है। सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं ही इन जिलों में अगली सूचना तक चलेंगी। भारतीय रेलवे ने कुल 118 ट्रेनें रद्द कर दी हैं। इनमें से तकरीबन 60 रद्द ट्रेनें ईस्ट कोस्ट रेलवे की हैं। चक्रवात से अगर रेलवे के प्लेटफॉर्म और पटरियों को किसी तरह का नुकसान होता है तो उसकी भी जल्दी मरम्मत और बहाली की व्यवस्था रेलवे प्रशासन ने की है। मंगलवार को आंध्र प्रदेश के नेल्लौर और मछलीपट्टनम जिले से ये तूफान जब टकराएगा, ऐसी आशंका है, तब इसकी रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। एनटीआर जिले में सभी शैक्षणिक संस्थानों को 4 और 5 दिसंबर से बंद रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वो लगातार उन मुख्यमंत्रियों से संपर्क में हैं जहां चक्रवात से नुकसान की आशंका है। मिचौंग से निपटने के लिए राहत और बचाव प्रयास को लेकर भी केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच बातचीत जारी है। चक्रवात मिचौंग से निपटने के लिए एनसीएमसी यानी कि नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी ने कहा है कि एनडीआरएफ यानी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स ने करीब 21 टीमों को तैनात किया है। ये 21 टीमें राहत और बचाव का काम देखेंगी। चेन्नई हवाई अड्डा चक्रवात मिचौंग से प्रभावित हुआ है, जिसके कारण 23 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। कुडालोर बंदरगाह पर भी तूफान की चेतावनी दी गई है। मौसम विज्ञान विभाग ने 2 दिसंबर के आसपास बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक चक्रवाती तूफान की भविष्यवाणी की थी। The Mekjong cyclone now lies at about 110 km east-northeast of Chennai. It has moved last 6 hours at the rate of 10 km per hour. Further, it is expected to move in northwest-northwest direction and intensify into severe cyclonic storm by today forenoon. Further, it will move parallel to the coast of north Tamil Nadu and south Andhra, and it is expected to cross between Nellore and Masubitum by tomorrow forenoon. Due to this cyclone, during last 24 hours, many places recorded heavy to very heavy, and one or two places extremely heavy rainfall also occurred. Now, over the districts Chennai, Tiruvallur, Kanchipuram, Chengalpet, the heavy rainfall and strong winds are likely to continue till today night. Further updates will be regularly